राम राम सर, मैं भावना कौशिक, स्वागत है तारो न्यूज दरारी में। आज आप पूछा है बिशनपुरा ग्राम पंचायत में 30 तारीख में इजे एक कार्यक्रम आयोजित करो जा रहे हैं। पंचायत पूरे जो आसपास का 5-6 गांव ही बिकमा भगवा रैली को आयोजन ग्रामवासियों द्वारा करे जा रहे हैं। राम राम सर। राम राम सर, तारो नाम? मेरा नाम विक्की बिशनपुरा है। जो को 30 तारीख में योग थारा ग्राम पंचायत में एक प्रोग्राम हो रहे हो, तो थोड़े भी के बारे में बता दो। 30 तारीख को रामनवमी के दिन हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से और नवयुवक के सहयोग से रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा और भगवा रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो यो जो को थारे शोभा यात्रा और भगवा रैली को प्रोग्राम है, यो थारे पूरे ग्राम पंचायत के लिए है या फिर थारे ही गांव में है? नहीं, पूरी ग्राम पंचायत के लिए है। सभी सनातनियों का, सभी का स्वागत है। आसपास के गांव में जो भी सनातनी है, हिंदू धर्म के भाई हैं हमारे, वो सभी को उनका स्वागत है। सभी आए और सभी इस भगवान राम के जय घोष में हिस्सा ले। तो जो को थारे ये प्रोग्राम है, एक विशेष अतिथि कौन है? हमारे विशेष अतिथि पूरा ग्रामवासी है और संत आएंगे, संत महाराज विकासनाथ जी महाराज और समर्थनाथ जी महाराज, निश्चलनाथ जी महाराज, रविनाथ जी महाराज बिसाव से वो आएंगे। जो थारे भगवा रैली को और शोभा यात्रा को प्रोग्राम है, ये कठिन शुरू होके कठे तक जावे? ये ग्राम बिशनपुरा के मुख्य चौक से शुरू होकर दोरादास से बिंदुसर और बिंदुसर से बाबा सावंतराम के मंदिर के ऊपर समापन होगा। तो जो भगवा रैली को प्रोग्राम हो रहे है, जो आयोजन ते कर रहे हो, पिकमा थारो खुद को है या ग्रामवासियों का योगदान है? संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से है मैडम जी। तो जो भगवा को आयोजित थे कर रहे हो, एक हमारे चैनल के माध्यम से थे के संदेश जनता तक पहुंचाना चाहो हो, यानी के कहना चाहो हो थे? मैं जनता ने यह कहना चाहूँ हाँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के भगवा में भगवान राम के नारों के साथ, जय घोष के साथ और उसको सफल बनाए। सभी का रैली में और उसमें शोभा यात्रा में स्वागत। जय श्री नाथ जी की, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ग्राम बिशनपुरा झुंझुनू जिले में इस बार 30 मार्च को पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पे एक विशाल भगवामय रैली निकलने जा रही है। तमाम जितने भी सनातनी हैं आसपास के गांव के और जितने पहुंच सके उतने सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी 30 मार्च को बिशनपुरा पहुंचे, इस भगवामय रैली में सभी भगवा में ओत प्रोत होके और डीजे की धुन पे भगवान श्री राम के जयकारों के और जय घोष के साथ इस भगवा रैली में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री नाथ जी की। बहुत बहुत सनातनियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों साथ निभाना, एक अकेला थक जाऊंगा, मिलकर बोझ उठाना, साथियों साथ निभाना। जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रामवासियों से भी मौजूद है अंसर। तो 30 तारीख में जो उनकी शोभा यात्रा और भगवा रैली है, ज्यादा से ज्यादा लोग पधार के और भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ावे।